मैंने देखा है कि जब भी हम घूमने जाते हैं तो जो सबसे बड़ी वाट लगती है वो लगती है हमारे खाने की, बहुत ही ज़्यादा जंक फूड हो जाता है। तो एयरबीएनबी लेना इसीलिए अच्छा रहता है क्योंकि आपको एक किचन मिलता है और आप थोड़ा बहुत सामान लेके थोड़ी बहुत मेहनत करके खुद एक हेल्दी मील खा सकते हो। हमारे पास सिर्फ एक छाता है, रेनकोट भी ऐसे बहुत अच्छे वाले नहीं है, सिर्फ अपर अपर हाफ के हैं, तो बारिश हुई तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और आधी जगह हम घूम नहीं पाएंगे। लेट्स सी। और बहुत ही अच्छा होम स्टे था, अगर आप यहाँ रुकना चाह रहे हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और आज हम निकल रहे हैं इंटरलाकन के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ की कुछ जगह घूमनी है, बट वो जगह घूम पाएंगे नहीं घूम पाएंगे बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, एयरबीएनबी में कहीं भी आप अगर चेक इन कर रहे हो तो आपका चेक इन शाम का रहेगा, जैसे शाम को आप 2 बजे से 5 बजे के बीच में चेक इन कर लो। ऐसा नहीं रहता कि सुबह आपको चेक इन करना होता है, लेकिन चेकआउट आपको 10 बजे करना होता है, जो कि हमने ऑलरेडी लेट कर दिया है। Hi. So we are ready just waiting for you. You are ready to leave. Yeah. बारिश बस ऐसा लग रहा है कि होने ही वाली है, बादलों में ऐसे ही पिंच चुबा दो, छेद कर दो, ऐसा लग रहा है पूरी बारिश हो जाएगी। Close the door by clicking it into place. Payment done. So यहाँ पर हमने payment किया इधर tap करके phone से Apple Pay से, और उसके बाद ये हमारा QR code generate हो गया। ये locker हमें available है 6 घंटे के लिए, और ये QR code हमें संभाल के रखना है, और बाद में यही QR code हम scan करेंगे, इसके अंदर डालेंगे तो हमारा लॉकर अनलॉक हो जाएगा। ये बहुत ही सही चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। अगर आपके पास बहुत सारा लगेज है, आप इंडिया से आ रहे हो, तो क्या करो कि बड़े बड़े जो सूटकेस हैं आपके, वो पीछे लॉकर में जैसे अभी हमने रखे वहाँ पे रख दो, और उसके बाद आप आसपास बहुत सारी घूमने की जगह हैं, जैसे बोट राइड है या और भी सारी जगह हैं जो आप घूम सकते हो। वो जो हमें मिला है लॉकर, वो हमें 6 घंटे के लिए मिला है, 9 स्विस फ्रैंक कटे हैं उसमें हमारे, और उसमें साइज़ है, तो अगर आपके पास छोटा बैग है तो आप उसी साइज़ का लॉकर बुक करिए। हमारे पीछे जो ब्रिज है ये चैपल ब्रिज है, और ये 1365 में बना था। अभी हम अंदर जाके देखेंगे, इसमें ये फेमस है, इसके अंदर जो पेंटिंग्स लगी हुई है, और 1993 में बहुत सारी पेंटिंग्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और यहाँ पर पास में एक चैपल है, सेंट पीटर्स चैपल, उसके नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा गया था, चैपल ब्रिज। ये पुराने टाइम में 270 मीटर्स लॉन्ग था, अभी थोड़ा सा छोटा हो गया ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने रोड वोड बना दी है। और ये पुराने जमाने में एक सिर्फ एक ब्रिज था जो एक ओल्ड टाउन को न्यू टाउन से कनेक्ट करता था। यहाँ पर कहीं पर दिल बना है, बताओ कहाँ पे बना है? दिल? हाँ, आप ढूंढ ही नहीं सकते हो। दिल, दिल, वो ऊपर। बारिश हो रही है लेकिन हमें जज्बा इतना है घूमने का, हम बिल्कुल रुक नहीं रहे, और लायन मॉन्यूमेंट्स आने वाला है। प्रियंका एक बैल लेके इतनी खुश हो गई है, पूछो मत। तो जो हमारे पीछे है वो एक लायंस मॉन्यूमेंट है, जो कुछ 740 सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। और जो लायन है, वो स्कल्पचर है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, मतलब आप एक्सप्रेशन देख सकते हो उस लायन के फेस में, वो घायल है, मर रहा है, और एक शील्ड है जो टूटी हुई है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उसके नीचे, और एक पीछे एक नई शील्ड है जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बहुत कुछ है उस पिक्चर में। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक कुछ तो केव है, वो देखने का हम सोच रहे हैं। पता नहीं है, कहाँ है तू? तू को ये है क्या? अच्छे तो मिरर है ये। वो बच्चे
ये यहाँ पे जो जगह है ये लायंस मॉन्यूमेंट के जस्ट पास में है, और जो हमने स्विस ट्रैवल पास लिया था उसमें ही जगह कवर होती है, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही पास में, और ज़्यादा आप आधे घंटे में पूरी जगह कवर कर सकते हो। सो गाइस, हमने लंच कर लिया था एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, लैम बिरयानी खाई और मसाला चाय, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। अब हम जा रहे हैं स्विस ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, बहुत ही प्रॉमिसिंग जगह लग रही है। हम दोनों साथ में गए थे एक बार, हमने साथ में जाकर बुलाया है, और आज ये यहाँ पहुँच गया और मैं YouTube में आ गया। तो गाइस, जो हम मून का जो साइड हम अर्थ से देखते हैं वो ये है, और जो उसके उल्टे साइड है वो ये है। सो गाइस, यहाँ पे दो एंट्री हैं, एक है म्यूजियम, दूसरा है प्लेनेटेरियम। तो अभी हम म्यूजियम घूम के आए, लेकिन मैं प्लेनेटेरियम घूमने की सोच रहा था। लेकिन प्लेनेटेरियम में क्या है कि आपका एक वहाँ पे शो है जिसमें वो दिखाते हैं, अब लेकिन इतना टाइम है नहीं, 45 मिनट की वो मूवी जैसी है। नेक्स्ट शो है वो 20 मिनट्स बाद स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम इतना वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रेन भी पकड़नी है इंटरलाकन के लिए, तो वो हमसे मिस हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ आ रहे हो तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो। सो गाइस, ये है स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर टिकट फ्री नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्विस ट्रैवल पास है तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। वैसे यहाँ का जो टिकट है वो है 32 फ्रैंक्स का, लेकिन अगर आपके पास पास है तो आपको 16 फ्रैंक का पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो जो स्कूल जा रहे हैं, और उन लोगों को बहुत ही पसंद आएगी ये जगह, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ते हैं वो यहाँ वो चीज़ें देख सकते हैं, स्पेस के बारे में, एरोप्लेन्स के बारे में, सारी चीज़ें कि कैसे वो इवोल्यूशन हुआ, कहते पहले किस टाइप के प्लेन्स होते थे, अभी किस टाइप के प्लेन्स हैं, तो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी एक लैब जैसी है ये। स्विट्जरलैंड ट्रिप डे 2 हमारा ख़त्म होता है, और आज हमने कवर किया चैपल ब्रिज, और हमने देखा लायंस मॉन्यूमेंट, और उसके बाद देखा हमने म्यूजियम। जो मैं बोलूँगा सबसे अच्छी चीज़ थी वो म्यूजियम थी यहाँ पे। उसके बाद जब हमने इंटरलाकन ट्रेन पकड़ी जो लुजेन से इंटरलाकन की थी, तो वो 2 घंटे की ट्रेन है, लेकिन हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा बहुत सो जाएंगे बीच में, आराम कर लेंगे, लेकिन क्या हो रहा था कि जैसे आप आँख बंद करो उसके बीच में खोलो तो इतना प्यारा लैंडस्केप है बाहर दोनों तरफ, कब निकल गए वो 2 घंटे पता नहीं चला। और हम कुछ दिन इस जगह पे रुकने वाले हैं, ये इंटरलाकन से थोड़ा दूर है, मतलब मेन सिटी से आधे घंटे की ड्राइव है, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है। विंडो के आप बाहर देखोगे तो एक साइड माउंटेन है, एक साइड लेक व्यू है। तो इस घर का टूर मैं आपको दूसरे वीडियो में देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ जो जगह घूमेंगे वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और ख्याल रखिए अपना।